ज्वालामुखी के पास कथोक पंचायत में श्री कृष्ण रामलीला मंच के द्वारा विधिवत समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दवाला पंचायत के पूर्व प्रधान व युवा नेता रजनीश थापा के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व प्रधान रमेश चंद खोला ने मुख्य अतिथि दवाला पंचायत के पूर्व प्रधान व युवा नेता रजनीश थापा को हिमाचली टोपी पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ज्वालामुखी के पास कथोक पंचायत में पिछले दिन मंगलवार देर रात को श्री कृष्ण लीला मंच के द्वारा विधिवत समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि धवाला पंचायत के पूर्व प्रधान व युवा नेता रजनीश थापा के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें मोहन भाटी पंचायत में पूर्व प्रधान रमेश चंद खोला, कृष्ण रामलीला मंच के प्रधान देशराज चौधरी, प्रधान मुनीर मोहन ने उनका स्वागत किया। पूर्व प्रधान रमेश चंद खोला ने मुख्य अतिथि धवाला पंचायत के पूर्व प्रधान व युवा नेता रजनीश थापा का हिमाचली टोपी पहनाकर व स्मृति चिन्ह दिया। प्रधान रमेश चंद खोला ने बताया कि ये रामलीला 1984 में शुरू हुई थी, जिसको आज 35 साल पूरे हो गए हैं और ये स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ किया जाता है। इस साल कथोक पंचायत में पहली बार की जा रही है। आज रामलीला के समापन पर रावण वध किया गया और राजा राम की अयोध्या वापसी और राजा राम का राज तिलक किया जाएगा। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि नई पीढ़ी को नशे की आदत से दूर रखे और बुराइयों से भी दूर रखे और एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। पिछले 35-40 सालों से लगातार चलती आ रही है और इस वर्ष भी ये यहाँ ग्राम पंचायत कथोक के अंदर आज इसका समापन है। तो आज रावण वध हुआ है, भगवान राम का राज तिलक हुआ है, कुंभकर्ण मेघनाथ का वध हुआ है, तो ये विजयदशमी के उपलक्ष में भी आज रामलीला का समापन है वैसे भी। और हम जो है वो लगातार इसको प्रयास रखेंगे कि इसको जारी रहे, लोगों के अंदर एक अच्छे विचारधारा चले और प्रभु राम के आदर्शों पे लोग चलने का प्रयास करें, नई पीढ़ी को नशे के लतों से या किसी बुराइयों से बचते हुए प्रभु चरणों में या अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें, यही हमारा लक्ष्य है। धवाला पंचायत के पूर्व प्रधान व युवा नेता रजनीश थापा ने कहा कि आज बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मनाया जाता है और अधर्म पर धर्म की विजय होती है। रावण एक बहुत ज्ञानी आदमी था, उन्होंने बुराई का साथ दिया, पर आज के समय में राम जी जैसा पुत्र और पति हर कोई चाहता है, लक्ष्मण और भरत जैसा भाई, सीता जैसी पत्नी हर कोई चाहता है, हनुमान जैसा भक्त हर कोई चाहता है। रावण का रोल करते थे, 2-4 साल पहले मैं महावीर खोला में जाने का अवसर मिला था, तब देखा था। रावण बहुत ज्ञानी आदमी था, पर मति भ्रष्ट किसी की भी हो सकती है। उन्होंने बुराई का साथ दिया, पर राम जी ने जो आज के टाइम में राम जी जैसा पुत्र और पति हर कोई चाहता है, लक्ष्मण जी जैसा बन जी जैसा भाई हरेक चाहता है, सीता जैसी संगनी हरेक कोई चाहता है, हनुमान जी जैसा एक जो सब कुछ निछावर कर सकता था अपने गुरु के लिए, ज्यादा न कहते हुए जितना भी 10 दिनों में यहाँ पे राम कथा का आयोजन हुआ, इतना बढ़िया ढंग से इन्होंने मंचन किया। मैं प्रधान जी से और सुधीर भाई से डिस्कस कर रहा था, अगली बार यहाँ से भी कुछ कलाकार आप तैयार करें। इस अवसर पर उनके साथ ज्वालामुखी भाजपा मंडल के कथोक पंचायत प्रधान मुनीर मोहन, मोहन भाटी पंचायत प्रधान कमल कुमार, सुधीर चौधरी, कृष्णा रामलीला मंच के सभी सदस्य, देशराज चौधरी, रूपचंद छोटूराम, अरुण, राजू खोला, अशोक कुमार सोमू, संजीव हैप्पी संजीव, सन्नी, अजू, आशु, पंकु, सुखदेव आदि अन्य युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।